वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो सुपर स्प्लेंडर बाइक आया है ना, अभी कस्टमर हमारे पास लेकर आया और बोला कि साजिर भाई, हमने 1 लीटर पेट्रोल भरा बाहर पे लोकल पर, और भरने का बाद बाइक को जो लाया, लाने का बाद कुछ देर गाड़ी चलने का बाद जब एक्सीलेटर दे रहा है तो खटखट 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 कर रहा है। तो पहले आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाऊंगा और एक्चुअली सॉल्यूशन दिखाऊंगा और किस कारण से ऐसा हुआ है वो भी बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं पहले प्रॉब्लम। बाइक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया है। आप गियर पे डाला, देखो खड़खड़ खड़खड़ करेगा। देख रहा है आप लोग? हाँ देख रहा है, कैसा आवाज आ रहा है ना। चलो बंद करते हैं। ये देखो, बंद करते हैं। जब अचानक एक्सीलेटर देता हूँ तो कट 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 करता है। तो ऐसा रीजन में बाइक का जो इंजन है, कस्टमर जो मेरे पास गाड़ी लाया बोला हमारा इंजन ख़त्म हो गया है, इंजन गई भैंस पानी में। तो फ्रेंड्स, घबराने का कोई आवश्यकता है नहीं। अभी हम लोग करेंगे क्या, इसका कंडीशन जो है हेड के अंदर दिया जाता हम लोग एग्जस्ट बल्ब और इंटेक बल्ब। ये बल्ब किसी कारण से हम लोग को नहीं खेल रहा है तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप क्या करेंगे, बाइक का जो फ्यूल भरा है फ्यूल टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हेड का जो अंदर थोड़ा हम लोग लुब्रिकेट करेंगे, किस चीज़ का, स्पार्क प्लग खोलकर इंजन ऑयल भरेंगे और किक का उपयोग करके, ताकि वाल्व के अंदर थोड़ा लुब्रिकेट होने के बाद वाल्व इजी खेलना चाहिए, तभी हम लोग का साउंड क्वालिटी बेहतर आएगा। तो चलो वो सब प्रोसेस करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। पेट्रोल सब निकालो, थोड़ा पेट्रोल को हम लोग सेंड करेंगे। अरे बाबा रे, क्या बदबूदार आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इतना दिन से मैं बाइक का काम करता हूँ, पेट्रोल का जो गंध है हम लोग अपने नाक से ही पहचान लेते हैं जो ओरिजिनल है या लोकल है। ये जो बदबू है ना, किस चीज़ का जो केमिकल लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि पेट्रोल का बदबू आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टेंकी को वॉश करेंगे और अच्छा क्वालिटी पेट्रोल लाएंगे, लाने के बाद भरेंगे। और मैंने हेड खोला, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो इस बाइक का रॉकर सिस्टम है, मैंने देखा कि रॉकर कहीं टाइट ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने रॉकर को देखा, देख रहा हूँ रॉकर ढीला है और इस साइड का भी रॉकर थोड़ा टाइट है। जो हम लोग का एग्जॉस्ट है ना, ये थोड़ा टाइट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पार्क प्लग के छेद से हम लोग थोड़ा इंजन ऑयल डालेंगे और वाल्व अगर हम लोग का जाम करेगा तो वहाँ लुब्रिकेट करने से हम लोग का फ्री हो जाएगा और साउंड भी ठीक हो जाएगा, ये पहले करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने हेड को ओपन किया, क्यों किया, इसके अंदर काफ़ी सारे, यानी कि बगैर लुब्रिकेट का बाइक चल रहा था और खट खट कर रहा था। वाल्व का कंडीशन देखो, ये जो वाल्व का कंडीशन देखो, खट 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 कर रहा था और इसलिए ऐसा हो गया, सुखाई हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हेड को फॉलिश करेंगे। फॉलिश करने के बाद रॉकर हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा 0.4 mm, तब गाड़ी का जो हम लोगों का पिकअप है बेहतर आएगा और आवाज़ भी नहीं आएगा। तो वाल्व जो है, वाल्व खेलने की वजह से हम लोगों का यानी ठंडन ठंडन करके लड़ रहा था, वाल्व ऐसे पोजिशन में रहता है। तो आवाज़ जो था इसी का आवाज़ था, देखिए ये जो आवाज़ है ना, अगर रॉकर क्लियरिंग कम रहे तो ऐसे आवाज़ आएगा खट 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 कर करके। यानी कि आप लोग जब देखेंगे कहीं ऊंची रास्ता हो गैबरेडी वाला और बाइक को अभी 4 नंबर गियर में ऊंची जगह पे उठा रहे हैं तो खट 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 करके आवाज़ आता है ना, ये वाल्व का आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वाल्व को ग्राइंडिंग करेंगे, सफाई करेंगे, करने के बाद हेड को फिटिंग करेंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, और सिर्फ खाली यहाँ का वाल्व सील हम लोग बदलेंगे। जो वाल्व सील है, वाल्व सील नया डालेंगे ताकि हम लोगों का बाइक जब हमने खोला है पोल्यूशन ना दे और गाड़ी जो है बेहतर से बेहतर चले। तो चलो ये सब कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बाइक का पूरा हेड वगैरह सब कुछ फिट किया और इसका जो हेड का टाइमिंग था, मैंने पिछला वीडियो में दिखाया था ग्लैमर बाइक का, वही टाइमिंग इस बाइक में भी आप लोग रखी है। तो अभी बाइक को अपडेट कर रहा है, मशीन से अपडेट कर रहा है, क्योंकि सेंसर का तार खुलने के कारण चेक इंजन लाइट आ रहा था। कर दिया ना? हाँ कर दिया। चलो बाइक को स्टार्ट करेंगे एक बार।
मालफंक्शन, लाइट चला गया है। चलो सीट लगाओ, बाइक को चलाएंगे और कट कट करके आवाज़ आ रहा है कि नहीं वो भी देखेंगे यार। एक्सीलेटर जोर से दे रहा हूँ, एकदम मक्खन जैसा आ रहा है। चलो देखते हैं, झटका मार के और क्लच प्लेट भी लगाया। अरे रख देना नीचे। अभी देखना एक्सीलेटर दूंगा तो पहले कट कट कर रहा था, एकदम झक्कास, और बाइक का जो ताकत है डबल हो गया। क्यों? क्लच प्लेट लगाया और वाल्व का काम कराया, देखना एकदम झकास और कहीं भी कट कट आवाज नहीं है। हटाओ उसे, हटा, कहीं भी आवाज नहीं है, एकदम मक्खन जैसा। चलो बंद करते हैं और कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। बोल रहा है कि धुआं पड़ रहा है, काम करने का बाद जब इंजन ऑयल जलेगा ना तो धुआं ही आएगा, बगल में लगा है। तो फ्रेंड्स एक गलती का कारण ऐसा हुआ था, यानी कि डुप्लीकेट पेट्रोल भरने से क्या हुआ, इंजन के अंदर जो एग्जॉस्ट होता है हम लोगों का और इंटेक होता है उसके अंदर फ्यूल जाता है, पिस्टन के अंदर फ्यूल जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद सुखाई हो जाता है, लुब्रिकेंट ख़राब हो जाता है, और यानी कि हम लोग का भाल जो है खटखट 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 कर रहा था, इस वजह से साउंड ऐसा हो रहा था। तो पूरे बाइक का इंजन एकदम बिल्कुल बराबर सही था, सिर्फ हेड का प्रॉब्लम था इसीलिए ऐसा हुआ। तो आज का वीडियो बस इतना था, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू।